है वेलकम भाई लोग। तो कल हमने देखा था रॉबरी बॉब में कि क्या हमने कैसे खेला था, तो आज उसका पार्ट टू लेके आ चुके हम लोग। हम लोग मतलब मैं और आप देखने वाले। तो अभी मैं चलता हूँ आगे उसको ज़्यादा चोरी कराने के लिए। तो अभी मैं आ चुका हूँ बड़े घर के पास, बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर है और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इस चोर की बातों को इग्नोर करते हैं यार, उसको कुछ करना तो है नहीं, बाहर खड़ा रहता है और सब कुछ हमें करना पड़ता है, तो इसको इग्नोर ही करते हैं यार। उनके घर में मुर्गे भी बोले तो ओके ही, वहाँ पे एकदम चुपचाप खड़ा है और यहाँ पे दो लोग कुछ बना रहे। तो ये मैं ले चुका हूँ, अब लेके अंदर चलता हूँ और यहाँ से जो भी है सब उठा लेता हूँ, उठाकर सीधा अंदर जा। अरे ओके, दादी अम्मा इधर है तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं खजाना ले लेता हूँ। और टेबल पर क्या क्या रखा है यार, जुआ बैठ के खेलते होंगे ये लोग। यहाँ से भी मैं उठा लेता हूँ यार जो भी है। यहाँ पे एक बंदा मुंह करके खड़ा है, क्या पता क्या करता है वो। और ओके, एग्जिट का दरवाज़ा इधर है, क्या बात है। यहाँ से ये लेके मैं निकल जाता हूँ। और तो ये वाले में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया उसमें, कुछ तो मुझे तो इतना ज़्यादा हार्ड लगा ही नहीं, मज़ा आ गया इसमें। और नेक्स्ट करते हैं, अभी देखते हैं अगले वाले में कौन सा। अगला वाला घर शायद मुझे तो लगता है इससे तो बड़ा होगा, बट क्या वो आसान होगा पता नहीं। ये फालतू में भगता रहता है, इसको इग्नोर कर दो। चलो हो गया ख़त्म, तो अभी चलते हैं अंदर जल्दी से। मैं चलता हूँ यहाँ पे, सिविलियन विल कॉल द ओके। तो ये लोग पुलिस को बुला लेंगे अगर कुछ भी इनको पता चला कि मैं हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से हम चुपचाप चुरा के निकाल लेंगे। पहले यहाँ कोई है तो नहीं, कोई नहीं है। चलो मैं चलता हूँ इधर, ये उठा लेता हूँ यहाँ पे। ये मुर्गे चिल्ला चिल्ला के उन लोगों को जगह तो नहीं देंगे। यहाँ से मैं सब कुछ उठा लेता हूँ टेबल के ऊपर, ये क्या क्या जमा के रहा। ओके, ये न्यूज़पेपर था कल का। अभी मैं ऐसे उठा के ओके आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे यार दिख जाएगा। अबे यार अब ओ गया यार, पुलिस आ गई पुलिस आ गई पुलिस आ गई पुलिस आ गई। भागना पड़ेगा अब तो, अब तो कोई चांस है ही नहीं, मुझे नहीं लगता बच पाऊंगा अभी। तो बस यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे कोने में छुप जाता हूँ। अबे अबे पुलिस आ क्यों नहीं रही है, अबे ये आ क्यों नहीं रही है, मतलब समझ लो ये पागल लोग है। तो बस पता नहीं आए कि नहीं आए, मैं खाली फोगड़ में ही डर रहा था। तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और ओके, ये इसने भी बुला बुला, लेकिन अब क्या बुलाएगी, अब तो बाहर जाने का रास्ता वहीं पे था। तो हम लोग लकीली बाहर आ चुके हैं, लकीली नहीं, अपनी मेहनत से आया और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया इस गेम में सेकेंड वाले में। और अभी आगे के लेवल में चलते। और अभी ये कितना बड़ा घर है, ये मस्त, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसमें वापस से मुझे पता नहीं ये साइड वाला बंदा ये जोकर आता ही क्यों है हमारे साथ, सिर्फ फालतू में बक बक के चला जाता है। तो अभी मैं जाता हूँ वापस से अंदर और इस बार ओके ओके ओके, यहाँ से हम उठा लेते हैं सब कुछ पहले, इसमें तो कुछ भी नहीं। ओके यहाँ ये सिक्का नोट पैड है। ओके अब यहाँ से चलता हूँ धीरे से और यहाँ से ये उठा लेता हूँ। ओके वो औरत कहीं, मैं उसको उठाने। ओके पुलिस को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया। ओके इसमें छुप जाता हूँ। तो मैं अभी डिब्बे के अंदर छुप चुका हूँ और टकलू लोग मेरे पास आ ही रहे, दोनों लोग टकलू। तो अभी पता नहीं वो लोग कितने चालाक है या कितने होशियारी। ये बूढ़ो एक आदमी जो मेरे पास खड़ा है उसको पता है, उसके सामने से भाग के मैं डब्बे के अंदर छुपा हूँ, लेकिन वो पागल बस देखता ही जा रहा है। वापस वो टकलू पुलिस के पीछे भाग चुका है। तो अब हमें लगता है कि हमें अपना काम करके जल्दी से निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये बेवकूफ़ लोगों का घर है ऐसा मुझे लगता है। तो अभी मैं जल्दी से खजाना उठा लेता हूँ और यहाँ से चाबी भी है क्या है जो भी है, अभी उठा के स्लोली स्लोली चलते हम धीरे धीरे। और वो औरत तो कब से बाहर ही देख रही है, क्या पता क्या दिख रहा है इसको। वो वापस से आ रहा है इधर, अभी एकदम शांत रहना है, बस उसको कुछ पता ना चले। ठीक है वो अंदर चला गया और अभी हम चलते हैं यहाँ से। ओ दीवार से टकरा गया यार। तो अभी चलते सीधा बाहर, भाग कर चलते हैं, इस बार कोई भी गलती नहीं हुई और हमारा चेला बाहर ही था। तो अब सेकंड पे आते हैं और ये वाला वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादातर गेम को खेलने का कोशिश की है जितने भी है ये। तो अभी आते हैं अगले घर पे और यहाँ पे मैं चलता हूँ। ये काफ़ी छोटा घर लग रहा है, लेकिन वापस से हम दो आ चुके हैं लुटेरे इधर। और अभी मैं जा रहा हूँ, ये फालतू वापस से कुछ ना कुछ बोलता जा रहा हूँ और मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है चल इसको स्किप करता हूँ, बस हो गया यार फास्ट। अब मैं चलता हूँ अंदर धीरे से और यहाँ पे कॉप्स भी। ओके तो ये किसी सरकारी बिल्डिंग है, यहाँ पे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो और दरवाज़ा खुला रहेगा तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है ये सब तो हम संभाल लेंगे। यहाँ से धीरे से दरवाज़ा खोल के मुझे वापस से उसको बंद कर देना है ताकि
वो लोग कुछ कर, लेकिन इधर तो आएगा नहीं शायद, फिर भी मैंने खुला छोड़ दिया है। तो अब यहाँ वहाँ से आ रहा है बंदा, तो अब क्या करूँ, यहाँ पे छुपना पड़ेगा, यहीं पे आ रहा है वो। देख गया यार, देख गया देख गया देख गया। अरे यार यार, इतना आसानी से गया, इतना आसानी से। वहाँ से मैं बाहर भाग सकता था लेकिन भागा नहीं। अब मैं वापस से चलता हूँ यार, इस बार उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ तो रास्ता होगा। और अभी बाहर भाग के आ जाएंगे हम, या फिर अंदर ही कुछ करेंगे, लेकिन उसके हाथ में नहीं आना इस बार। तो अब मैं ओके, वो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से क्या करना है मुझे, ये उठा लो, और ये जुए के पत्ते क्या बोलते हैं इसको, ये मैंने उठा लिए। और अभी मैं ओके छुप जाता हूँ कहीं पे, छुप जाता हूँ वापस से, इधर छुप जाता हूँ ताकि उसकी नज़रों में ना हो। और एक बार अगर वो इस कमरे में चला जाता है तो इसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। वो उधर चला गया, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे आ जाना चाहिए। ओके, उसको पता चल गया। ओके यार, इतनी आसानी से गया इस बार भी। इस बार मुझे इतना कुछ था नहीं क्या आएगा वापस, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला भागने का, तो कोई बात नहीं, इस बार उसको संभल दे। इतना मुश्किल नहीं है यार, फिर भी अबे क्या। तो अभी चलते अंदर वापस से, धीरे से, स्लोली। इस बार तो ये करना ही, अब सरकारी बिल्डिंग है फिर भी, और एक बंदा कैसे पकड़ सकता है यार चोर को। तो अभी चलो, वो अंदर गया है, तो अभी तो बस पता ही है क्या करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे छुपता है नहीं, इधर ही छुप जाता हूँ। ओके, इधर ही छुप जाता हूँ ताकि उसको पता ना चले, और अब से निकल लेता हूँ अंदर। अंदर जाके जो है मैं ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से निकल लेंगे हम इधर से। और ये तो हो गया अब तो लगता है, ये खजाना मिल चुका है और ये खुश हो चुका है, टोपी वाला बुड्ढा। तो ठीक है, हमने खजाना ले चुका है। और यहाँ से ये क्या चमक रहा है यार, वो भी ले लेता हूँ। ओके, वो तो शायद कुछ और था, वो लेने का मुझे नहीं लगता कुछ फ़ायदा है। मैं बाहर चला जाता हूँ, एक बार ये अंदर आ जाए, बस इसी का वेट है, एक बार ये अंदर आ जाए, उसका दरवाज़ा खुलते ही हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि ये सरकारी बिल्डिंग है तो ये पकड़ सकता है। और अभी मैं निकल रहा हूँ आराम से, अब तो आराम से क्यों निकलना है, अब तो हो चुका है काम, तो हम भाग कर मैं बाहर आ जाता हूँ। और मज़ा आ गया इस गेम के अंदर, और ये जो गेम थी इसमें हमें थोड़ा टफनेस हुआ था, थोड़ा यार हार्ड लगा, लेकिन ये हार्ड था नहीं इतना जितना लगा। तो अभी नेक्स्ट पे चलते, और इस बार देखते हम कौन सा घर है। तो इस बार भी ये घर है, और इस घर में बस सेम ये वापस आ चुके, और ये कुछ बोल रहा है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम अंदर चलते हैं और ईजीली करने की कोशिश करते हैं। भाई लोग, ये दूसरा पार्ट है, और शायद ही इसके बाद कोई पार्ट बनाऊंगा इस गेम का, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ही कम है। तो अभी मैं चलता हूँ इस कमरे में, और ये देख ही रहा है। ओके, ये आ गया आ गया आ गया आ गया, इसको पता चल गया यार मैं चोर। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, और अभी मैं कहाँ जाऊँ। ओके, इधर रास्ता है, तो अभी मैं इधर से निकल चुका हूँ, इधर वापस आ चुका हूँ, और यहाँ से चुरा के किचन के अंदर से इधर आ चुका हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ धीरे से इधर, यहाँ पे कोई है नहीं तो टेंशन की बात नहीं है। यहाँ से ये ले लेता हूँ चमकीली चीज़ें, बेसिकली इस बार तो खाना चुराना है। ओके ओके, दादी को पता चल गया। आ रही है बुढ़ी, आ रही आ रही आ रही है बुढ़ी, आ रही है बुढ़ी, आ रही है यार, बच गए। वैसे भी डोसी, मतलब समझ लो कि डोसी मतलब बुढ़ी हो चुकी है, उसके पैरों में इतना दम कहाँ जो चोर को पकड़ पाए। तो वापस से हम अंदर चलते स्लोली स्लोली इस बार चलेंगे, और इतना ज़्यादा स्लोली नहीं चलना था, फिर भी मैं चल के जा चुका हूँ। वो सुन चुकी है उसको सब, बट टेंशन की बात नहीं इस बार, तो देख भी चुकी है वो, लेकिन मैं छुप चुका हूँ बस एक बार। अरे यार बस हाथ में ना आए। ओके यार, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि एक बुढ़े के हाथों पकड़े गए, मतलब एक बुढ़े ने बेलन से मार दिया हमको। ये बहुत ही शर्म की बात है, कोई भी चोर इस गेम को ना देखे वरना बहुत ही बुरा लगेगा मेरे को। तो यहाँ से बस सेम ही हो रहा है, तो ये बंदा आ रहा है, उसने देखा। अच्छा ओके, इसको शौक हुआ इस बार। तो मैं चलता हूँ यहाँ से किचन में, और यहाँ पे खाना माना जो भी है मैं चुरा लेता हूँ, और यहाँ से चलता हूँ सीधा बुढ़ी के कमरे में। यहाँ पे बुढ़ी चक्कर ही लगा रही है, पता नहीं क्यों लगा रही है कब से। तो मैं इधर आ चुका हूँ, और एक काम करता हूँ भाग कर सीधा अंदर चला जाता हूँ।
क्योंकि अभी बुड्ढी दिखाई नहीं दे रही। ओके आ चुके बुड्ढी, बस एकदम बिना आवाज के नहीं यहाँ पे खड़े रहना। उसको पता चल गया इस बार भी, लेकिन लकीली हम लोग बच चुके हैं। तो बस ये बुड्ढी यहाँ तक आई, और एक काम करता हूँ अब तो इसके पीछे पीछे ही चला जाता हूँ ताकि ज़्यादा शक ना हो। और अभी इसके पीछे पीछे ओके देख गई। अरे यार वापस ये बुड्ढी हमको बहुत ज़्यादा अभी हो गया इस बुड्ढी का। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे छुपा रहता हूँ और इसके एकदम पीछे जाता हूँ जल्दी से। तो ये बुड्ढी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है इस बार, और इसमें कुछ किल मिल करने का है भी नहीं यार, मतलब ये सस्ता वाला चोर है समझ लो। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे जो भी है ब्रोकन रिकॉर्ड और ये खजाना ले लेता हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ से बुड्ढी को चकमा देके निकलना है, इतना आसान तो नहीं होगा। ओके ये वापस से यहीं पे घूम रही, इसको कुछ और काम है ही नहीं। तो अभी मैं यहाँ से निकल के मैं चलता हूँ आराम से। तो अभी मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, इस घर को आराम से लूट चुका हूँ। और आप सबको ये गेम कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के अंदर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर ऐसे वीडियो आपको नए नए रोज वीडियो देखने हैं नई नई गेम्स के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।